आजकल के आधुनिक जीवन में हेयर फॉल की समस्या काफी कॉमन है। 13-14 साल के बच्चे भी बोलते हैं कि हमको हेयर फॉल की समस्या है। आइए आज हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेकी हीलिंग से, कुछ प्रिकॉशन देने से और क्या चीजें करने से हम इस समस्या को कम कर सकते हैं और अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये चैनल है बेटर ऑल, सब कुछ सुधारें, रेकी, एनर्जी हीलिंग, योग विधियों, ध्यान और आध्यात्म के बहुत ही आसान तरीकों से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए वीडियो अलर्ट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जो वीडियोस आपको अच्छे लगे उनको लाइक करें और अपने अच्छे विचार कमेंट सेक्शन में सबके साथ बांटें। वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। मैं हूँ स्कॉटन लीडर आशुतोष बहुगुना, एक प्रैक्टिसिंग रेकी ग्रैंड मास्टर। वीडियो सीरीज रेकी हीलिंग आसान है, असरदार है, आनंद में है, मैं आपका स्वागत है। बाल ज्यादा गिरने के बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है हमारा एक लाइफस्टाइल या एक हमारी दिनचर्या, जो नेचुरल, जो सूरज के उगने से और सूरज के ढलने से जो एक हमारा संतुलित जीवन था, हम उससे दूर हट गए हैं। ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मानसिक तनाव होता है, इमोशन इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ती है। साथ ही साथ अपने बिजी लाइफस्टाइल में बालों के पोषण को न करना या केमिकल्स का इस्तेमाल करना भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लेडीज में खासकर आजकल थायराइड की समस्या काफी बढ़ी हुई है, इससे भी हेयर फॉल होता है। और अगर आप ध्यान दें तो पेट की खराबी जिनको होती है उनको कभी कभी त्वचा के इश्यूज, हेयर फॉल की समस्या, इन सब कारणों को फेस करना पड़ता है। अब इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो आप रेकी हीलिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम प्रिकॉशंस की और क्या क्या करना चाहिए इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हम रेकी हीलिंग से इसमें क्या क्या मदद पा सकते हैं हेयर फॉल को कम करने के लिए। रेकी हीलिंग करते हुए आप सबसे पहले तो अपनी इमोशनल बैलेंसिंग जरूर करिए, यानी कि आपकी जो भावनाओं की दशा है वो एक संतुलित स्थिति में होनी चाहिए। कभी भी बात बात में गुस्सा नहीं आना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल एक शांत भाव में रहना चाहिए। जब आप इस तरह से रहते हैं तो आपकी सोचने की दिशा भी बिल्कुल ठीक रहती है और आप एक बिल्कुल अच्छा जीवन जीते हैं और आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होती है। साथ ही साथ जो रेकी हीलिंग से आप कर सकते हैं कि जो आप डेली हीलिंग करते हैं आप उसके साथ कंबाइन कर लीजिए। जब आप अपनी डेली हीलिंग करते हैं तो अपनी पूरी चक्रा को बैलेंस करके चार्ज करने के बाद आप 10 मिनट बिताइए अपनी बालों की हीलिंग के लिए। आप इसमें सबसे पहले तो अपने सर के आगे की तरफ हाथ रख के अपने सर पर हीलिंग दीजिए बालों को। अब आप इस हीलिंग को करते हुए आप ये ना बोले कि मेरे बालों की हीलिंग, आप ये सोचिए कि आप ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं कि जहां भी उसका रूट कॉज है, मतलब जो उसकी जड़ है समस्या की, वहां पर हीलिंग हो। चाहे वो आपकी भावनाओं में हो, चाहे वो आपके शरीर में हो, चाहे वो आपके खान पान की चीजें में हो, चाहे वो आपके पेट में कहीं खराबी से या थायराइड ग्लैंड में कहीं खराबी से, जिस भी चीज से हो, उसकी जड़ तक ऊर्जा जाए और उसकी हीलिंग करे। आप खुद मत सोचिए कि क्या कारण है, आप ऊर्जा को दिशा लेने दीजिए। आप हीलिंग इस इंटेंशन से करिए कि आप अपने खुद को हीलिंग दे रहे हैं, अपने से कनेक्ट करिए और जो भी हेयर फॉल का कारण है उसकी जड़ तक हीलिंग हो। आप इस तरह से 5-10 मिनट तक रोज हीलिंग करें। इसके अलावा आप एक ही पोजीशन में अपने पूरे एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारा ग्लैंड का सिस्टम है, खासकर की थायराइड ग्लैंड और जो पेट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे कनेक्टेड जो कुछ भी है, आप उसकी हीलिंग एक साथ करें। आप एक हाथ अपना करीब पेट के रीजन पे और दूसरा हाथ आप गले पे रखें और इस तरह से 5-10 मिनट तक हीलिंग करें। तो इस तरह से आप रोज अपने बालों की हीलिंग करें तो आप देखें कि हेयर फॉल की समस्या कम होती जाएगी। अब ये तो हो गई आपके शरीर की, आपकी आभा मंडल की, मन की, जो ग्लैंड्स का सिस्टम है, इन सब की हीलिंग की। इसके अलावा जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तेल है, कंघी है, तौलिया है, जो भी चीज आपके सर को छूती है, आप उसकी हीलिंग जरूर करें। आप किसी ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, आप टोपी पहनते हैं, आप अपनी टोपी की हीलिंग करें कि ये मेरे बालों को अच्छी ऊर्जा दे, इससे मेरे बाल ना गिरे। आप देखेंगे ऐसा करने से
आपके बालों को अच्छी ऊर्जा मिलेगी। आपने कभी अपने बालों से बात करी है? नहीं करी हो? आप अपने बालों से बात करिए, जैसे कि वो एक एंटिटी है और आप उनसे बात कर रहे हैं। बात करते हुए आप पहले तो क्षमा मांगिए अपने बालों से कि अगर हमारी किसी गलती से बालों का कुपोषण हुआ है या लापरवाही से बाल गिरने लगे हैं तो बाल हमको क्षमा करें। बालों को धन्यवाद करिए कि वो हमको ब्यूटी देते हैं, हमारे सर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सर को ठंडा रखते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बालों को, आप चाहे तो आप डिटेल में पढ़े कि बाल किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, और आप इन सब चीजों के लिए अपने बालों को धन्यवाद करें। रोज करें ताकि उनको अच्छी ऊर्जा मिले और आप देखेंगे कि उनको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, आपको मन में भी शांति मिलेगी और धीरे धीरे आपका मानसिक तनाव जो हेयर फॉल की वजह से हो रहा था वो कम होगा। अगली बात करते हैं मानसिक तनाव की। जब भी आप मानसिक तनाव में रहते हैं, आप जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी वजह से आपको मानसिक तनाव है तो आप देखेंगे कि हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसलिए आप रोज कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस करें, अपने मन को शांत करने के तरीके ढूंढें। आप चाहे म्यूजिक अपनाएं, चाहे आप गेम्स अपनाएं, चाहे आप बच्चों के साथ समय बिताना अपनाएं, आप जिस भी तरह से करें अपने मन को जितना शांत हो सकते हैं उतना रखें। खासकर आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में जहाँ पर लाइफ बहुत बिजी होती है, अपने लिए लोग कम टाइम निकालते हैं और धीरे धीरे मानसिक तनाव बढ़ता है और इससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ती जाती है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे केवल हेयर फॉल के लिए नहीं, हर क्षेत्र में आपको फायदा होगा। अगर आप देख रहे हैं कि हेयर फॉल बढ़ रहा है तो संकेत है कि आपको अपने मानसिक स्वरूप को शांत करने की जरूरत है। आपको सोचने में लगता होगा कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, किसी और से ईर्ष्या करते हैं और आपको लगता है कि दूसरा मेरे से आगे ना निकल जाए और इसी दौड़ में कुछ भी करने को तैयार है, तो ये सब संकेत है कि आपको अपने मन को शांत करने की जरूरत है। आप कुछ टाइम रोज मेडिटेशन में बिताइए और इस मेडिटेशन में विजुअलाइज करिए कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है और आपके पूरे शरीर में जा रही है। और शुरुआत कहां से होती है? सर से नीचे आ रही है। तो सबसे पहले क्या हीलिंग हो रहा है? आप बालों की हीलिंग होते हुए देखिए, देखिए कि पूरे बाल पूरी ऊर्जा से भर गए हैं और फिर सारी एनर्जी आपके शरीर में धीरे धीरे आ रही है। इस तरह से आपके बालों की मेडिटेशन के साथ रोज हीलिंग होती रहेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। अब बात करते हैं केमिकल्स के यूज की और पोषण की। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। हम एयरफोर्स में थे, यंग एज में एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो उस समय बालों का खराब होना दूसरों के लिए ठीक भी एक एग्जांपल सेट नहीं करता, इसलिए हम जेल का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया और साथ में हम हेयर ड्रायर से उसको सेट करते थे। ये चलता रहा 5-6-7-8 साल के बाद हमने नोटिस किया कि बाल तो कम होने हो गए, फिर कभी फ्लाइंग हेलमेट के अंदर हमें बाल मिले, कभी टोपी के अंदर बाल मिले, तो एकदम से इसका असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे लंबे पीरियड में आप जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं कई बार आपको सूट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि हमेशा सूट ना करें, लेकिन कई बार आपको सूट नहीं करते। सबसे सेफेस्ट है कि आप नेचुरल चीजें यूज करें। उसके बाद से हमने तेल लगाना शुरू कर दिया है और तेल भी लगाना इस तरह से कि तेल परमानेंटली बालों पर नहीं रहता। तेल लगाते हैं, उसको 5-6 घंटे रखते हैं और उसके बाद उसे धो देते हैं। अगर आप तेल लगातार बालों पे लगाकर रखेंगे तो उसमें धूल चिपकती है जिससे बाल खराब होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशंस आप लें। आप अपनी कंघी इस तरह की इस्तेमाल करें जिससे बाल न टूटे, आप तौलिया जोर जोर से सर पे न रगड़ें। आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस लें जिससे आप सावधान रहें कि हाँ, ये भी कोई केयर करने की चीज है जिसकी हम केयर करते हैं। और मैं अपने बालों को बहुत केयर करता हूँ या करती हूँ और आप देखेंगे कि आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। जो साबुन होता है और शैम्पू होता है, इसके पीएच लेवल अलग अलग होते हैं। जो साबुन होता है वो बदन के पीएच लेवल के हिसाब से बनाया जाता है, जो शैम्पू होता है वो बालों के पीएच लेवल के हिसाब से बनाया जाता है। तो आप साबुन से बाल अगर धोते हैं तो आप इसे अवॉइड करें, नेचुरल चीजें यूज करें, जैसे आंवला है, शिकाकाई है, त्रिफला है, इन सब के नेचुरल शैम्पू मिलते हैं। आप नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। खाने पीने में खट्टी चीजें कम खाएं ताकि पेट में एसिडिटी कम हो। अपने पाचन का खास ख्याल रखें। जब पेट में गड़बड़ी होती है तब भी देखा जाता है कि हेयर फॉल की समस्या बढ़ती है, त्वचा की समस्या बढ़ती है। साथ ही साथ पानी खूब पिएं। जब आपकी स्किन पूरी हाइड्रेटेड रहती है तो बाल और त्वचा दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं।
तो ये सब आप प्रिकॉशंस के जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो करें, साथ ही साथ रोज हीलिंग करें, जिसमें आप कुछ टाइम अपनी डेली हीलिंग के बाद कुछ टाइम अपने बालों पर हीलिंग पे बिताएं, जिसमें आप बिल्कुल उसकी रूट कॉज की हीलिंग की कामना करें। आप ये ना सोचिए रूट कॉज क्या है, एनर्जी को डिसाइड करने दें, साथ ही साथ पेट की और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की, खासकर थायराइड ग्लैंड की हीलिंग करें। आप देखेंगे कि आपको करीब 2-3 महीने में आपको इसका असर धीरे धीरे दिखने लगेगा। इसको लगातार करना जरूरी है। आप ये ना सोचें कि एक हफ्ते में करें और आप ठीक हो जाएंगे। आप इसको लंबे समय तक करें, आप देखें आपको इसका जरूर अच्छा असर मिलेगा। तो आप ये तरीके इस्तेमाल करें, आपके बाल बिल्कुल अच्छे रहें, आप सुंदर दिखें, आपके बाल स्ट्रांग रहें, बिल्कुल अच्छी तरह बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।